हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। फ्रेंड्स, एलपी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जो कि वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जो कि स्टैंड बाय लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि टोटल 44 कैंडिडेट्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं एलपी के लिए। ठीक है, 44 कैंडिडेट जो थे वो मेन लिस्ट में थे। मेन लिस्ट में होते हुए भी कुछ कारणवश जो भी रीजंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो टोटल 44 कैंडिडेट्स अभी तक जो है रिजेक्ट किए गए मेन लिस्ट से। तो इसका मतलब यही है सीधा सीधी कि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वेटिंग लिस्ट या स्टैंड बाय लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स हैं उनको सीधा सीधी फ़ायदा होगा। जो कि थोड़े बहुत नंबर से कम रहेगा मेन लिस्ट से, उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते ये कौन से बोर्ड से नोटिस आई है और उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ ये हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो भी नोटिस निकाला गया है ये आरआरबी कोलकाता की तरफ से निकाला गया। जी हाँ, आरआरबी कोलकाता, यहाँ देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता। और ये टोटल कैंडिडेट जो रिजेक्ट हुए ये भी कोलकाता के ही है। ठीक है, आरआरबी कोलकाता में ये कैंडिडेट्स है, बाकी जोन्स का नहीं है। बाकी जोन्स का भी मैं लेके आऊँगा, जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए या मेडिकल में अनफिट हुए उन सारे जानकारियों के साथ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, यहाँ देखिए आज की तारीख में फाइनल रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट एलपी टेक्नीशियन ऑफ CN1 2018 डीवी कंडक्टर बिटवीन 20/6/2019 से 15/7/2019 20/6/2019 के बीच में जिनका डीवी या मेडिकल कंडक्ट हुआ था उन्हीं कैंडिडेट्स का इसमें रिजेक्शन लिस्ट जारी किया है। उसके बाद का यदि कोई कैंडिडेट्स होगा तो उनका अभी इसमें नहीं शामिल किया गया। ठीक है, ये बात जान गए। तो मैंने जो नोटिस को पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं आपको ओपन करके अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा नोटिस, ऑफिशियल नोटिस, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता। यहाँ देख सकते हैं फाइनल रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये फाइनल रिजेक्शन है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द पोस्ट एलपी एंड टेक्नीशियन ऑफ CN1 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्टेड बिटवीन 20/6/2019 टू 15/7/2019। ठीक है, इसी डेट के बीच यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और यदि आपका मेडिकल भी कंडक्ट कराया गया था, यदि आप मेडिकल में या डॉक्यूमेंट में कोई भी कारणवश कोई भी रीजन के चलते यदि आपका रिजेक्ट हुआ है तो उन्हीं कैंडिडेट्स का इसमें लिस्ट बनाया गया। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स का इसमें लिस्ट नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वेटिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वेटिंग वाले जो भी है उनका डायरेक्ट इसमें मेन लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं फॉलोइंग आर द लिस्ट कुछ फाइनल रिजेक्टेड। यहाँ देखिए रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, रीजन फॉर रिजेक्शन है, ये पूरा आपको अच्छे से दिया है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर जो कैंडिडेट है, एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन बोथ शेड्यूल डेट एंड ब्लॉक डेट। देखिए कैसे कैंडिडेट है, हाँ यहाँ पर जॉब नहीं मिलती लड़कों को, स्टैंड बाय लिस्ट वाले कितने परेशान है, मुझे डेली मैसेज करते हैं मेल पे कि सर हमारा कितना चांस है होने का। और यहाँ देखिए जिनका मेन लिस्ट में था वो दोनों डेट में नहीं गया, और रेलवे इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। एक शेड्यूल डेट में भी आपको बुलाया था उसमें नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, ब्लॉक डेट में भी बुलाया गया लेकिन उसमें भी नहीं जा पाए, दैट मीन्स आप इच्छुक ही नहीं है, आप इस जॉब को करने के लिए लायक ही नहीं है, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे जो है रोल नंबर, इसमें देखिए एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन बोथ शेड्यूल एंड ब्लॉक डेट, ये भी एक कैंडिडेट है। ठीक है, तो इनको तो भरना ही नहीं चाहिए था फॉर्म जब दोनों में नहीं जा रहे, फालतू का इसमें एक आपका मेन लिस्ट में वेटिंग कैंडिडेट्स तो आ सकते थे। ठीक है, इस वजह से वेटिंग लिस्ट वालों का हो तो जाएगा लेकिन हो सकता थोड़ा बहुत टाइम लगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड में नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी, हो सकता है इनका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो या हो सकता है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इनके वजह से इनको नॉट क्वालिफाइड फॉर एलपी बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट जो है एब्सकॉन्डेड एंड डिड नॉट कम्प्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन, हो सकता है इनका मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक से नहीं हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ भी अनफिट हुआ होगा A1 कैटेगरी के हिसाब से, जिसके वजह से इनको रिजेक्शन लिस्ट में रखा गया। उसी तरह यहाँ पर ब्लॉक डेट वाले या वेरिफिकेशन वाले बहुत है, नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स, देखिए नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी जो भी कैंडिडेट्स है उनके लिए फाइनल रिजेक्शन लिस्ट हुआ। ठीक है, उसके बावजूद
एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका रास्ता बंद नहीं होता। यदि मेडिकल में ठीक है, यदि मेडिकल में आपको रिजेक्शन दिया गया है एलपी में A1 कैटेगरी में, तो अभी भी आपको फ्रेंड्स एक और मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी RRB कोलकाता में ही अभी एक नोटिस जारी किया गया रिसेंटली आज के दिन, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना कर बता दूंगा। उसमें आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे अपील करना, जी हाँ अपील के हिसाब से आपको फिर से मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे कैंडिडेट्स जो है आप देख सकते हैं नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ LP, बहुत सारे रीजन्स है। एबसेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स है, पता नहीं ये कैंडिडेट्स क्यों फॉर्म भरे थे। यदि आपको जाना ही नहीं था शेड्यूल डेट में या ब्लॉक डेट में, तो आप छोड़ देते पहले। नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ LP वाले एक चीज़ ये ध्यान रखेगा, आपका अभी भी लास्ट होप ख़त्म नहीं हुआ है। यदि आपको लगता है कि मेडिकल में आपसे कुछ गलतियाँ नहीं हुई है, आप सही है आपका सब कुछ, तो आप अपील कर सकते हैं एक अच्छे से DD बना के 1000 रुपये का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसमें आपको पूरा बताया गया, उसमें 5 कमेटी मेंबर सीनियर डॉक्टर्स के बैठेंगे और आपका फिर से मेडिकल जांच होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, उसमें यदि आप पास कर जाते हैं तो हो सकता है आप फिर से मेन लिस्ट में आ जाए, यदि उसमें भी आप फेल करते हैं दैट इज़ द फाइनल रिजेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा, या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एबसेंट वाले बहुत है फ्रेंड्स, देखिए इतने एबसेंट वाले फ्रेंड्स हैं, तो ये यदि पहले ही एग्ज़ाम नहीं देते या नहीं जाते DV वगैरह में, तो एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट वालों को फ़ायदा होता ना, तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पकड़ के रखिए RRB कोलकाता में 100 से 150 लोगों का वेटिंग लिस्ट से मेन लिस्ट में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए LP पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई चाहिए, A1 कैटेगरी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद देखा है कि लोग साइको में तो बैठ गए थे अपना मेडिकल जांच करा के प्राइवेट डॉक्टर से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रेलवे बारीकी से चेक करती है। A1 कैटेगरी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है रेलवे के अंडर। ठीक है, तो A1 में वो बिल्कुल चूक नहीं करेंगे, भले बाकी B1 B2 में स्लाइड प्रॉब्लम भी है तो सब चलता है, मैनेज है, बट A1 में कोई मैनेज नहीं है, समझ में आया, जिसके वजह से इतने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट मिलेगा। अभी देखिए बहुत सारे जोन्स में भी अभी देखने को मिलेगा 100 से 150 कैंडिडेट्स मिनिमम आपको रिजेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट वालों को काफ़ी फ़ायदा है। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट में जिनका 0.2, 3, 4, 5 से जो नंबर छट रहे हैं मेन लिस्ट से, उनको काफ़ी अच्छी फ़ायदा है, उनको मेरिट में मेन लिस्ट में लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए अलग से लिस्ट निकालेगी रेलवे। तो देख सकते हैं एबसेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन इतने सारे कैंडिडेट्स है, तो टोटल जितने भी है 44 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है RRB कोलकाता की तरफ से। ठीक है, बाकी डेट्स वाले में भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा, और बाकी जोन्स में भी कितने कैंडिडेट्स मेडिकल मनफिट हो रहे हैं, या कितने कैंडिडेट्स का मेरे पास ब्यूरा है जिनसे मैं जुड़ा हुआ, कैंडिडेट्स किन के मेडिकल मनफिट हुआ नहीं हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा अलग वीडियो में। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए कि अलग अलग जोन्स में कितने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट हुआ है, ये कितने कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से मुझे पता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो बेल आइकन है नीचे में देखेंगे उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए पल पल की अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन या क्वेरीज पूछना मत भूलिए, मैं आपके कमेंट्स क्वेरी को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो उसके पहले आप सब्सक्राइब कर देने से आपका ही मैं आप फ़ायदा कर सकता हूँ, कि जितने भी कैंडिडेट्स अलग अलग जोन्स में किसी को भी रिजेक्शन मिल रही है या मेडिकल में यदि अनफिट है, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि वहाँ इतने कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से अनफिट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।